हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्शन आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अब हम देखेंगे कि अगर 1935 के इलेक्शन होते हैं उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसने क्या क्या काम किए और क्या आफ्टर मैथ रहा उसका तो फर्स्टली इन फैजपुर सेशन नाइनटीन कांग्रेस पास रेजोल्यूशन नॉट टू सबमिट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन और टू कोऑपरेट विद इट बट टू कॉम्बैट इट विद बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द लेजिस्लेचर सो दैट इट कैन बी एंड कांग्रेस ने ये साफ साफ कह दिया कि अब हम सरकार में रह कर इसका अपोजिशन करेंगे हम इसको चलने नहीं देंगे हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से हम इसको अपोज करेंगे और कांग्रेस ने इसी सेशन में अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया और एक मैनिफेस्टो दिया और उसमें कांग्रेस ने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के लिए अभी हम देखते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट क्या रहे कांग्रेस ने फाइव प्रोविसेस में एबसोलूट मजारिटी आ गई कांग्रेस की वो प्रोविंस कौन कौन थे मद्रास था यूनाइटेड प्रोविंस था सेंट्रल प्रोविंस था बिहार एंड उड़ीसा वो दोनों जॉइंट थे बिहार एंड उड़ीसा हो गया बॉम्बे और लेटर असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी कांग्रेस ने अपनी मजोरिटी बना दी अभी तीन स्टेट्स थी जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी वो कौन कौन थी बंगाल पंजाब सिंध यहाँ पर कांग्रेस की मजारिटी नहीं थी अभी ये क्वेश्चन 2005 यूपीएससी में पूछा भी गया था कि नीचे ऑप्शन दे के कि हाँ किस प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी आफ्टर 1935 इलेक्शन के बाद सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग अभी पंजाब में किसने गवर्नमेंट फॉर्म किया इन पंजाब दी मुस्लिम लीग विद जूनूनिस्ट पार्टी फॉर्म द कोलेशन गवर्नमेंट पंजाब में जूनिस्ट गवर्नमेंट का जो मजोरिटी आया था उसने कब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना लिया इन बंगाल मुस्लिम लीग फॉर्म प्रजा पार्टी गुलाम वर नॉन कांग्रेस लीडर्स अभी हम मुस्लिम लीग का भी देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग ने क्या क्या वहां पे सीटें लाई द मुस्लिम लीग गोट वन जीरो एट सीट आउट ऑफ टोटल फोर एटी फाइव मुस्लिम सीट्स कांग्रेस कंटेस्टेड ओन 58 एट मुस्लिम सीट्स एंड वन ट्वेंटी सिक्स सीट आउट ऑफ दैम अभी यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि इलेक्शन में हुआ क्या कांग्रेस मजोरिटी सीट ले गई अभी मुस्लिम लीग को इन्फीरियर फील होना स्टार्ट हुआ कि यार हम तो चाहते थे कि सर मुस्लिम हमें ही वोट करें हम मुस्लिम के हम एक अलोन रिप्रेजेंटेटिव हैं बट क्या हुआ कि मुस्लिम को लोगों का सपोर्ट नहीं मिला मुस्लिम लीग को तो मुस्लिम लीग बोल बुखलाहट में अभी वो सेपरेटिज्म की बात करना स्टार्ट कर देगी अभी पाकिस्तान की जो वॉइस है वो रेज होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि तो मुस्लिम लीग को ये कन्फर्म हो गया कि अभी जो यहाँ पे हमें मुस्लिम पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो वो अपने मन में मान के चल रहे थे अभी कांग्रेस ने क्या क्या काम किया इलेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट काम कांग्रेस ने किए जब 1937 में जब कांग्रेस का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो कुछ ही उन्होंने का काम अच्छे किए कि वो कांग्रेस ने सबसे पहला काम किया कि वो लोगों के साथ कनेक्ट हुए तो फर्स्ट पॉइंट देखिए टेनेंसी एक्ट वर पास इन यूनाइटेड प्रिविसेज एंड बिहार टू प्रोटेक्ट द टीन फ्राम द मनी लैंडर्स दे टुक प्रो लेबर स्टैंड बट रिमेंड अवे फ्रॉम द क्लास स्ट्रगल अभी कांग्रेस बड़े स्मार्टली खेल रही है उन्होंने टेनेंसी एक्ट को पास करवाया बट वो फिर भी अपने आप को सेपरेट करने में सफल रही वो क्लास स्ट्रगल नहीं गिना गया वो लोगों को मतलब एक ऐसा लगा कि वो प्रो लेबर रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं ना कि एक क्लास के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं अभी 1937 थर्टी सेवन कांग्रेस गवर्नमेंट इन बॉम्बे अपॉइंटेड ए टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी विच रिकमेंडेड ए वेज इंक्रीज फॉर लेबर अभी देखिए कांग्रेस क्या करना चाह रही है कांग्रेस लेबर के बिल्कुल साथ में आगे खड़ी हो गई अभी उन्होंने टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी फॉर वेज रिविजन अभी लोगों की सपोर्ट कांग्रेस के साथ और हो रही है तो थर्ड पॉइंट है इन दी नवंबर 1938 कांग्रेस गवर्नमेंट इन बॉम्बे इंट्रोड्यूस द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट The act was based upon the principle of ऑफ and avoided the strikes and the lockouts. अभी कांग्रेस ने देखा कि जो इंडस्ट्री में स्ट्राइक्स बहुत होती हैं तो उन्होंने एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही बना दिया जिसमें उन्होंने आर्बिट्रेशन का एक फैक्टर रख दिया कि हम हाँ आइए हम बैठ के टेबल पे बात करते हैं कि जो स्ट्राइक्स ना हो इंडस्ट्री रुके ना काम चलता रहे तो अभी लोगों को और सपोर्ट होगी कांग्रेस की और लोग और जुड़ना स्टार्ट हो गई कांग्रेस के साथ मतलब इलेक्शन के बाद कांग्रेस जीती तो जीती सीट बट उसने जो काम किए लोगों की ओवर सपोर्ट कांग्रेस के साथ आ गई और कांग्रेस एक मेजर पार्टी उभर के बाहर आ गई देखिए कांग्रेस तो एक तरफ से काम कर रही थी बट इससे सेपरेशन भी राइज़ हुआ तो हम देखते कैसे कैसे सेपरेशन हुआ सेपरेशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस फर्स्टली इन 1937 आफ्टर प्रोविंसियल इलेक्शंस कांग्रेस हैड रिफ्यूज टू मेक कोशन गवर्नमेंट विद दी मुस्लिम लीग अभी इतने पार्टी जीत गई पांच प्रोविंस में तो कांग्रेस के दिमाग में भी आया मुस्लिम लीग की तो वैल्यू कुछ नहीं है इनके साथ इनके साथ सरकार बनाए क्यों हम तो इंडिपेंडेंट सरकार बनाएंगे तो मुस्लिम लीग को इन्फीरियर लगा कि यार हमारे साथ कोललेन गवर्नमेंट नहीं बनाया इन्होंने मुस्लिम लीग हैड द व्यू दैट इट अलोन हैड राइट टू कॉन्टैक्ट विद द मुस्लिम्स एंड टेक केयर ऑफ दैम वैन कांग्रेस स्टार्टड मास कॉन्टैक्ट्स इन द विज दी मुस्लिम लीग डि नॉट अप्रूव इट अभी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुस्लिम लीग को लगता था कि वो सोल रिप्रजेंटेटिव हैं मुस्लिम्स के सिर्फ मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग ही कर सकती है बट कांग्रेस ने एक नया मुहिम स्टार्ट किया वहाँ पर जो मास कॉन्टैक्ट मोमेंट था जिसमें वो विज में जा कर लोगों से कॉन्टैक्ट करते थे मुस्लिम लीग को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो हमारे राइट्स पे ऊपर कांग्रेस का अपना दबदबा बना रही है सिर्फ ये हमारा राइट्स है कि मुस्लिम को हम कॉन्टेक्ट करें बट अभी कांग्रेस भी कर रहे हैं तो उन्हें अपना इन्फीरियर फीलिंग हुआ ए ड्रीम वॉज शोन टू द मिडिल क्लास मुस्लिम दैट इफ सेपरेट सॉवरन स्टेट इज क्रिएटेड देन इट वुड बी मिडिल एंड लोअर क्लास मुस्लिम दैट वुड गेट द मोस्ट बेनिफिट अभी देखिए मुस्लिम लीग इलेक्शन हार चुकी है बुरी तरह और कांग्रेस वाले उनको साथ में लेकर नहीं चलना चाहते अभी मुस्लिम लीग के लिए क्या रह गया अब उन्होंने लोगों को भटकाना स्टार्ट कर दिया कि अगर हमारा सेपरेट स्टेट होगा तभी हमें वो राइट्स मिलेंगे मान लीजिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आए थे एक मुस्लिम लीग के अभी उनको लग रहा था कि कांग्रेस तो हमें साथ में लेना नहीं चाहिए अभी कांग्रेस की भी मेरे को यहाँ पे गलती लगता है कि आपको कम से कम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन तो देना चाहिए अगर कांग्रेस उस टाइम पर मुस्लिम लीग का थोड़ा ध्यान रख लेती तो ये चीज़ें राइज ही ना होती अभी मुस्लिम को लग रहा है कि मुस्लिम लीग को अभी मुस्लिम लीग को लग रहा है कि भाई नहीं ये कांग्रेस वाले तो हमारे बिल्कुल एंटी हैं हम इनके साथ काम कर ही नहीं सकते हैं ये एक फ्यूचर में भी हमें ये काम नहीं करने देंगे हमें साथ में लेके नहीं चलेंगे सो so, इससे अच्छा हमें एक नई कंट्री का ही हम प्रोविज़न डाल दें हम पाकिस्तान को बनाएं इस, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ हमारी सुनी जाएगी सिर्फ मुस्लिम होंगे और मुस्लिम लीग वहाँ पर काम करेगी एंड द लास्ट पॉइंट वॉज इट वॉज दी वारद स्कीम ऑफ एजुकेशन विच लेड द मुस्लिम लीग टू रेज वॉइस फॉर दी पाकिस्तान अभी ये वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या थी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि मुस्लिम लीग को लगा कि रिलीजियस एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन में इसको डिनाई किया गया वो रिलीजियस एजुकेशन को डिनाई करते रहे कि हम इसको एजुकेशन में नहीं डालेंगे सिर्फ और सिर्फ जो काम करके हम पैसा कमा सकते हैं सिर्फ उसी टाइप ऑफ एजुकेशन को हम वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन में रखेंगे तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा होप यू हैव इन्जॉयड दिस लेक्चर एंड यू नो वट हैपन्ड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव So thanks, thanks a lot. Please subscribe our channels for more videos.